शारदीय नवरात्र के पहले दिन उत्तराखंड के सभी मंदिरों में लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। हम मौजूद हैं उधम सिंह नगर जिले के सनातन धर्म मंदिर में। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, ये वो जोत है जो ज्वाला देवी से मंगाई गई है। हर साल जो है सनातन धर्म मंदिर की तरफ से जो दो बार नवरात्र पड़ते हैं, दोनों बार नवरात्र में ज्वाला देवी से जोत मंगाई जाती है। ये जोत जो है भक्त अपने घर पे यहीं से जोत प्रज्वलित करके अपने घर लेके जाते हैं और 9 दिन तक उस जोत की विधिवत रूप से पूजा करते हैं। इसके साथ ही जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। चलिए कुछ भक्तगण हैं जो जोत लेने आए हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। और आज मंदिर पहुंचे हैं, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अंजू शर्मा। अंजू जी, ये बताइए कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज आप मंदिर पहुंची हैं, ज्वाला देवी से जो जोत आई है उस जोत से अपनी जोत प्रज्वलित कराने के लिए पहुंची हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शारदीय नवरात्र का जो है कि हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, आप लोगों ने किस तरह की तैयारियां की हैं नवरात्र की? जोत ले जा रहे हैं, माता की सेवा करेंगे 9 दिन। किस तरह से सेवा की जा रही है, कोई विशेष तैयारी? विशेष तैयारी कहीं भी, त्योहार है अच्छे से मनाते हैं, माता की कृपा है परिवार पे। अच्छा, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जैसे आप अपनी बेटी को यहाँ लेके पहुंची हुई हैं, बेटी को भी बता रही हैं, किस तरह से नई पीढ़ी के लोगों को आप समझाते हैं, आप लोग अपने घर के बच्चों को, कि ताकि जो बच्चे हैं वो भी आपके संस्कारों को समझें और जो चीजें आप करते हैं वो आगे बढ़ के वो भी करें और उसी तरीके से देवी देवताओं की पूजा करें, क्या कहना चाहेंगे? संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं, जैसे माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे करेंगे, बाकी और क्या, यही है। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो महिला भक्त थी उन्होंने बताया कि वो जोत लेने के लिए मंदिर पहुंची हुई है। चलिए जो पुजारी हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी पंडित सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शारदीय नवरात्र का क्या महत्व है, क्यों इस नवरात्र में जो देवी के जो 9 रूप है उनकी किस तरह से पूजा करनी चाहिए और किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, ये बताइए कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है, भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां मंदिर कमेटी की तरफ से की गई हैं? जी, नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणतस्मताम्मा। आज से भगवती दुर्गा देवी जी के शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, जो नवरात्र होते हैं। आज से ही मंदिर में तांता लगने लग गया है भक्तों का, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मंदिर को सजाया गया है, माता रानी के भवन को सजाया गया है और सभी भक्त बड़े हर्षोल्लास के साथ इन नवरात्र को मनाते हैं, इसमें व्रत रखते हैं, साधना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं, इस प्रकार से भक्ति करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ज्वाला देवी से हर साल जोत आती है, साल में 2 बार जोत आती है, कितने सालों से जोत आ रही है यहाँ पे मंदिर में? यहाँ लगभग मेरे ख्याल से 20-25 साल हो चुके हैं, यहाँ से एक बस जाती है, हर बार सभी देवियों का दर्शन करते हुए अंत में ज्वाला जी का दर्शन करती है और वहां से पवित्र महामाई की ज्वाला देवी की पवित्र ज्योत वहां से लेकर के सभी श्रद्धालुगण आते हैं और यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ देवी का स्वागत किया जाता है। तदुपरांत देवी माता को यहाँ पर स्थान दिया जाता है, जो 9 दिन के लिए यहाँ पर माँ विराजमान रहती है, अपने भक्तों पर कृपा करती है। सभी भक्त यहाँ पर आते हैं, उनका ज्वाला महामाई का दर्शन करते हैं, व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं और तदुपरांत दशमी वाले दिन यहाँ पर हवन किया जाता है। उसके बाद माता जी, जो ज्वाला माता जी की ज्योत है, इसको गर्जिया देवी रामनगर में जाकर के विसर्जन किया जाता है। ये बताइए कि नवरात्र के समय पे किस तरह से माँ के 9 रूपों की पूजा की जाए जिससे कि माँ प्रसन्न हो और अपने भक्तों पे कृपा बनाए। जी हाँ, बाकी तो देखिए, भक्ति तो अपने अपने हिसाब से भक्त जैसा चाहे, सर्वोपरि यह है कि देवी की साधना करें, देवी की उपासना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वो भी करें। इसके अलावा सप्तशती नहीं कर सकते तो सुबह शाम माता रानी के ज्योत के पास बैठकर के माता रानी के भजनों को गाएं, आरती करें, प्रसाद वितरण करें, व्रत रखें, साधना करें और अंततोगत्वा अष्टमी यदि आप पूछते हैं, नवमी पूछते हैं तो उस दिन कन्या पूजन करें। ये बताइए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए इस नवरात्र के समय पे? हाँ जी, नवरात्रि के समय एक तो व्रत रखना चाहिए, यदि व्रत ना भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साधना का पूरा ध्यान रखिए, सुबह शाम माता रानी की साधना कीजिए और उनकी भक्ति कीजिए, प्याज लहसुन तामसी भोजन है ना, मदिरा मांस इत्यादि से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उपासना के दिन है, साधना के दिन है, तो इन दिनों में अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बनाना चाहिए, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नशा, तंबाकू, बीड़ी, प्याज लहसुन या जिस चीज का हम माता रानी को भोग नहीं लगा सकते, भगवान को भोग नहीं लगा सकते, उन चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपने चरित्र को, अपने आचरण को, अपनी वाणी को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए।
कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? देखिए देवी के तो नाना प्रकार के मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। आप दुर्गा सप्तशती उठा करके देखेंगे, उसमें बिल्कुल अंत में सब प्रकार के मंत्र दिए हैं कि रोग के नाश के लिए और सुख के लिए, संतान के लिए। तो जिस प्रकार के आप मंत्र को चाहें उसको आप वहां पर देख करके जाप कर सकते हैं। आपको मुक्ति चाहिए तो, भक्ति चाहिए तो, संतान चाहिए तो, सुख चाहिए तो, पत्नी चाहिए तो, वह नाना प्रकार के मंत्रों का वर्णन किया हुआ। आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उधम सिंह नगर जिले के सनातन धर्म मंदिर के पुजारी सुनीत शर्मा जी थे। इन्होंने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जो देवी माँ की जो पूजा है 9 दिन में विशेष प्रकार की आराधना की जाती है, जिससे कि माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पे विशेष कृपा बरसाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखा दें कि दुर्गा माँ का जो प्रतिमा है उसे विशेष तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही अलग अलग फलों के भोग लगाए गए हैं। इसके साथ ही जो ज्वाला देवी से जो चुआई हुई है उसको भी माँ के चरणों में प्रज्वलित किया गया है। देख सकते हैं कि भक्तों को भी भक्त भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सारा दिन नवरात्र का पहला दिन है, आप पहुंचे हुए हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की तरफ से घर में की गई? कल से ही तैयारी चल रही थी, पहले पूरे घर की सफाई की, उसके बाद कलश और मट्टी वगैरह की कलश स्थापना की। कलश स्थापना के लिए हम माता को यहाँ लेने आए हुए हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ जो भक्तगण थे उन्होंने बताया कि कलश स्थापना के लिए ज्वाला देवी से जो जोत आई है वो जोत लेने के लिए वो भी मंदिर पहुंचे हुए हैं और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ भी दिखा दे कि देख सकते हैं ये जो भक्त हैं, जो तमाम भक्त हैं वो मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। सारा दिन नवरात्र का पहला दिन है, पहले दिन ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर पहुंचकर देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, ताकि जो ये 9 दिन है 9 दिन वो विधि विधान से देवी देवताओं की आराधना कर सके और उनको प्रसन्न कर सके, ताकि उनकी विशेष कृपा भक्तों पर बनी रहे। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time? Haryana में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.